महामारी के दौर में जाम हुआ थाना समाधान दिवस का चक्का शनिवार को फिर चल पड़ा, जिसके चलते सीतापुर के सभी थानों में समाधान दिवस का आयोजन कर जन सुनवाई की गई। डीएम विशाल भारद्वाज व एसपी आरपी सिंह ने स्वयं कोतवाली बिस्वा व थाना खैराबाद में आयोजित समाधान दिवस का आयोजन का निरीक्षण किया। एसपी ने वर्ष 2020 में मार्च के बाद भूमि विवादों को चिन्हित कर समाधान दिवस रजिस्टर में अंकित करने, मामले की संवेदनशीलता अनुसार पुलिस व राजस्व की संयुक्त टीम बनाकर जांच करने, एक सप्ताह में समस्या का निस्तारण करने के निर्देश दिए। इस दौरान कुल 119 शिकायतों में 38 पुलिस विभाग से व 81 राजस्व से संबंधित शिकायतें आईं, जिसमें 25 को त्वरित निस्तारित कर दिया गया। थाना ताल गांव में एसडीएम लहरपुर रामदरस राम व सीओ पीयूष कुमार सिंह के नेतृत्व में समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान एसडीएम ने आयोजन में अनुपस्थित कर्मचारियों से जानकारी लेने के निर्देश सीओ को दिए। थाना अटरिया में एसडीएम संतोष कुमार राय व थाना प्रभारी करुणेश सिंह के नेतृत्व में समाधान दिवस का आयोजन कर फरियादियों की समस्याओं का निस्तारण किया गया। कुल 4 शिकायतें आईं, जिनमें 2 को त्वरित निस्तारित किया गया। शहर कोतवाली सीतापुर में नायब तहसीलदार श्री राम कुमार व कोतवाल डीपी सिंह के नेतृत्व में समाधान दिवस का आयोजन कर फरियादियों की समस्या का निस्तारण किया गया। निर्धारण कोविड हेल्प पर आरक्षी राजेंद्र सिंह, ममता व शिवानी मौजूद रहे। कोतवाली सिधौली में कोतवाल राम प्रकाश के नेतृत्व में समाधान दिवस का आयोजन कर 4 मारपीट की आय शिकायतों का निस्तारण किया गया। थाना मचरेटा में नायब तहसीलदार विदेह सिंह, थाना प्रभारी राजेंद्र कुमार शर्मा व कानून गो अजय कुमार दीक्षित के नेतृत्व में राजस्व से संबंधित 5 व पुलिस से संबंधित 1 शिकायत का निस्तारण किया गया। कोतवाली लहरपुर में तहसीलदार मदन मोहन मिश्र व कोतवाल ओपी राय ने समाधान दिवस का आयोजन कर 7 शिकायतकर्ताओं की शिकायत का समाधान करने के लिए टीमें भेज दी। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।